हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों सभी को नमस्कार और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। दोस्तों हमारा आज का व्लॉग फिर से शुरू होता है और आज भी हमारा शायक आप लोग के और हम चिरकुल महाराज के जन्म स्थल शायम है इस टाइम। और अब यहाँ से आगे हम बाइट बनाते हैं और मंदिर के दर्शन कराते हैं हम आपको। हाँ भाई, ठीक है, बोलेंगे आप कुछ ब्लॉग पे? अच्छा, ओ सॉरी यार, बंद किया नहीं मैंने। टाइम भी रश, शाम का टाइम है दोस्तों, अभी भी रश यहाँ काफ़ी है। और यहाँ पर ये है शिरगुल महाराज की जन्मस्थली और यहाँ से रास्ता ऊपर जाएंगे हम, यहाँ रोड रहेगा और यहाँ रास्ते से हम ऊपर जाएंगे दोस्तों। और साइड में यहाँ पर मिठाई की दुकान लगी है, आप इसे देख सकते हैं। और ऊपर को चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम शिरगुल महाराज की जन्मस्थली। तो भाई साहब, इस टाइम भाई साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ ये पूरे ब्लॉग में। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? मोहित। मोहित कहाँ से भाई? राजगढ़ है। राजगढ़ से हैं तो मोहित भाई हैं दोस्तों, और काफ़ी देर से हमारे साथ ही हैं और अभी हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच यार मोहित भाई। और दोस्तों हम इस टाइम दोनों भाई हैं, मोहित भाई हमारे साथ, और हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। अब ये रास्ता रहेगा ऊपर को, और दोस्तों ऊपर बाइट बनाते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं इस टाइम रास्ते में, और भाई भी यहाँ पे है। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या हाल चाल है? जी बढ़िया जी, आप ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल। राहुल जी हैं दोस्तों हमारे, और आपके बेटे, बेटा एक बेटी है? हाँ जी, ये बेटा है मेरा। बेटा है, इसका नाम कृतिक। कृतिक, अच्छा अच्छा, तो मंदिर से माथा टेक के आ गए? हाँ जी, हम माथा टेक के आए। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसा रहा? बहुत बढ़िया। कब, कितने बजे आए आप? हम थोड़े लेट ही आए। अच्छा, शाम के 3-4 बजे। रश बहुत था दिन में, तो बहुत रश था, तभी हम थोड़े आराम से आए। हाँ, विद फैमिली आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका नाम जी? मेरा नाम पायल। पायल जी हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, और कैसा लगा यहाँ पे मंदिर में? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छी जगह बना है। हाँ बढ़िया है ना। तो ठीक है राहुल भाई यार, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पायल जी हैं। ओके राहुल, ओके। बस दोस्तों हम इस टाइम शाया मंदिर पहुँच चुके हैं और मैं दर्शन कराता हूँ मंदिर के आपको। शाम शाम का सूर्यास्त होने वाला है, शाम का टाइम है यहाँ पर, और बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको। और श्रद्धालु लोग भी हैं दोस्तों यहाँ पर। और जी भाई जी, क्या हाल चाल है? आपका नाम? राजन है। राजन, राजन है, चलो ठीक है ठीक है। और दोस्तों इधर भी। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी। अच्छा, आपका नाम क्या होगा जी? वंदना जी। वंदना जी, जी, जी। अच्छा, तो आज यहाँ मंदिर में आए हैं? जी सर, आज बड़ी मान्यता है हमारे यहाँ भी शिरगुल महाराज मंदिर। हाँ, तो सभी आते, दूर दूर से आते, तो हम भी आए। हाँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ, सही बात है, बोलना सही बात है। अच्छा मैडम नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपका नाम मैडम जी? चंचल। चंचल जी, जी। अच्छा अच्छा, तो आप भी आए हैं? माथा टेकने आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है चंचल जी, बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ की तो शक्ति कुछ अलग है। हाँ तो ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग पर। ओके ओके दोस्तों, यहाँ पर है हॉकी टीम दोस्तों यहाँ पर, और ये सारे बंदे हमारे अपने हैं। और ये यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए शिरगुल महाराज का। तो दोस्तों प्यारी सी बेटी एक हमारे कैमरे के सामने इस टाइम। और बेटा क्या हाल चाल है? ठीक है, क्या नाम है आपका? सानवी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8th में। वेरी नाइस, कौन सा स्कूल है बेटा आपका? DAV में। अच्छा अच्छा, और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? ठीक चल रही है। और गेम्स वगैरह खेलती हो? अच्छा कुछ नहीं, चलो ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना है ना। दोस्तों प्यारी सी बेटी हमारे कैमरे पे इस टाइम, थैंक यू बेटा। दोस्तों सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं शिरगुल महाराज के, और ये हमारे मूर्ति अंदर रहेगी शिरगुल महाराज की, और हमारे महाराज को सभी को दर्शन कराते हैं दोस्तों हम यहाँ पर। ये हमारे शिरगुल महाराज की मूर्ति, और करीब से आप देख सकते हैं दोस्तों इन्हें, देख सकते हैं दोस्तों आप, सभी को हम दर्शन करा रहे हैं अपने श्री गुरु महाराज के।
बहुत बड़ी शक्ति दोस्तों, नॉर्थ विंड के राजा। बहुत सी मूर्तियाँ इनकी यहाँ पे, जितना भी आ रहा है दोस्तों इतने दिखा रहा हूँ मैं, कुछ बची अंदर बीच में है ये कुछ रक्षा करना था। बाकी मंदिर बहुत सजा हुआ है, धजा हुआ दोस्तों, और हमारे महाराज अंदर। इंदु भाई यहाँ पर आशीर्वाद देते थे, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं पब्लिक बहुत सारे दोस्तों दिया दोस्तों यहाँ पे, और हमारे तीनों भाई यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को। कभी भी आप यहाँ भाई यहाँ पे होंगे आशीर्वाद देते हुए यहाँ पे सभी को दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारे कैमरे के सामने है, और हम भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं ब्लॉग पे। रणदीप ठाकुर जी है हमारे भाई का नाम, तो हम भाई से भाई के जो बारे अपने बारे में भी पूछेंगे, बताएं भाई जी, और कुछ शिरगुल महाराज के बारे में भी कुछ हमारे व्यूवर्स को जो आपको जानकारी है वो दें, तो प्लीज़ भाई जी पहले अपने रेफरेंस दें आप। सर प्रथम मैं आपको और आपके चैनल को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम रणदीप ठाकुर है, देवा बिजड़ महाराज गनीता ब्रैला उस भानर गाँव से, और मैं एक PET के पद पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल फागू में है, जहाँ श्री गुरु महाराज की जन्मस्थली है। सही बात। आज मैं यहाँ पे अभी हबन से आया हूँ, क्योंकि वहाँ भी टोकरी माता का मंदिर है, वहाँ हम खेलने गए थे। तो ये जो हमारा मंदिर जो देख रहे हैं श्री गुरु महाराज का, ये भुकड़ू महाराज की संतान है। लगभग समझो कि आप तीन ये इनकी जो पुत्र हुए हैं, एक बड़े बड़े श्री गुरु महाराज है, और छोटे बिजड़ महाराज है, उससे छोटे चिदेश्वर महाराज है, और जो इनकी बहनें हैं बिजड़ की रजाई और गड़ाई है, और इनकी जो चतेश्वरी है ये इनकी श्री महाराज की बहनें हैं, और यहाँ के जो पुजारी और यहाँ के जो सेवक है वो ठाकुर पृथ्वीराज जी है, जो स्वयं मेरे से बड़े भ्राता श्री है। क्योंकि यहाँ जो उत्पन्न हुआ ये राजा का महल हुआ करता था, यहाँ पे भुकड़ू महाराज का एक महल था। अच्छा। और आज पर यहाँ पे एक बड़ा परगना है जिसे हम नोत पिन के नाम से जाना जाता है, इसमें शाठी भी इसमें आता है, बधोल्डी भी इसमें आता है, चायल भी इसमें आता है, नोराल भी इसमें आता है, डिम्बण भी इसमें आता है, हब्बन भी इसमें आता है, और हमारा पूरा राजगढ़ क्षेत्र यानी कि शिलाई से पीछे इसमें नोत पिन में गिने जाते हैं। और ये बहुत बड़ा एरिया है। अभी आपने पीछे भी देखा कि श्री गुरु महाराज की चूड़धार में जो एक शांति हुई थे, तो उस पे भी हमारी एक संस्था बैठी थी, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का बुलावा नहीं आएगा तो बिन बुलावे कोई भी नहीं जा सकता। सबसे पहले निमंत्रण यहाँ होना था, जहाँ पे जन्म स्थान था श्री गुरु महाराज का। अच्छा। तो यहाँ पे सबसे पहले बुलावा था, वो बुलावा ही हमारे 3-4 दिन पहले आया, समय कम था इसलिए वहाँ पे यहाँ की यात्रा नहीं पहुँच सकी। अच्छा। और आज हम इस महाराज के लिए नमन करते हैं, पूरे इलाके की जो धरती है यहाँ के जो लोग है यहाँ पे आते हैं, अपनी भेंट देते हैं। आज हमारे इस दिन को हमारी पड़ई कहा जाता है, कुछ लोगों ने 2 दिन पहले ही साजी बनाई थी। हाँ जी। और ये पूरी हमारे जो संसा हमारे मन में भेम डाला था, ये पंडितों ने डाला था। अच्छा। क्योंकि काशी के पंडित अपने लिए लड़ गए थे कि भाई हमारी अमावस्या 31 तारीख को, जो एक्चुअली जो अमावस्या थी 31 को थी, और आज जो पिछले कल भी थी 6:16 तक थी, सभी लोगों ने पिछले कल साजी और देवते का जो सामने देख रहे आप गहना जलता था, ये पिछले कल जलता था, और ये 2-3 दिन तक लगातार जलता रहता है। आज हमारी पड़ई है, कल हमारी भैया दूज है, और शास्त्रों के अनुसार भी 3 तारीख की क्लियर भैया दूज बताई गई थी। तो आज हम यहाँ छाया मंदिर में पहुँचे हैं, जहाँ श्री गुरु महाराज का एक स्थान है, यहाँ गद्दी हुआ करती है, यहाँ पूरे लोग परगना के लोग यहाँ पहुँचते हैं। आप देखिए इतना भव्य सुंदर मंदिर बन रहा है, और ये यहाँ का ये प्रोडक्शन पूरी कमेटी और इस छाया के जो कारकरिंदे व्यक्ति हैं उनको जाता है, श्रेय पूरा पृथ्वीराज ठाकुर जी जो यहाँ के भंडारे भी है, और दूसरे जो यहाँ के गणिते हैं स्वर्गीय श्री गजान सिंह जी के, जो मेरे बड़े भाई साहब थे, उनके सुपुत्र हैं टीनू जी, जो यहाँ पे स्वयं एक गणिता का रूप और धारण कर रहे हैं, ये यहाँ के मुख्य पुजारी है, और पृथ्वीराज जी जो यहाँ पुजारी के रूप में माने गए हैं, और जो गणिता है वो टीनू जी हैं, और इनकी पूरी फैमिली देवों की फैमिली है। यहाँ पे ये सुबह शाम महाराज की पूजा करते हैं, पाची डालते हैं, और इतना ही नहीं, इसकी जो आस्था बैठी है पूरे हमारे लगभग दिल्ली
पठानकोट जगह जगह पे श्री गुरु महाराज का बोलबाला है, क्योंकि जब कैद हुए थे श्री गुरु महाराज तब भी दिल्ली के अंदर थे। अच्छा। और इनकी एक जो धर्म की बहन है जिसे बंगानी माँ के नाम से जाना जाता है हरिपुरधार में, आज वे स्वयं कहते हैं कि वो आती है, इनके धर्म बंदे हैं दोनों भाइयों तीनों के, इनके धर्म बंदे उनके साथ बगैर धर्म के वो कहीं भी नहीं जाती। आज ये जो बड़ा पंडाल देख रहे हैं श्री गुरु महाराज का, ये जो राजगद्दी है यहाँ पे ये पूजा अर्चना होती है, और आज बहुत सारे लोग हैं। अभी कुछ समय के बाद जब ये मंदिर पूर्ण रूप से तैयार होगा यहाँ शांत होगी, लगभग यहाँ हजारों की संख्या से श्रद्धालु लोग आएंगे, और आज भी लोगों को बड़ी आस्था है और बड़ा विश्वास है। कहते हैं अगर मन में विश्वास हो तो शक्तियाँ तो पत्थर में भी खड़ी होती है। महाराज की जो प्रतिमा है ये मात्र हम बोलते हैं कि अष्टातु की बनी होती है, कई लोगों की धारणा है कि पित्तल से बनी है, लेकिन इसमें शक्तियाँ भरी जाती है, ये पूर्ण शक्तिशाली है, बड़ा शांत प्रिय महाराज है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप टेलीकास्ट जो है चैनल से दिखा रहे हैं, आपकी जो पूरी कास्ट जो जगह जगह लोग देख रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे देवस्थल है ये हमारे पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं। सही बात है। आज हम इन्हें नहीं मानेंगे, लेकिन घर में किसी के माँ बाप होते तो बुजुर्ग होते हैं, पहली माँ बाप की शिक्षा ली जाती है तब दूसरी शिक्षा स्कूल में होती है। तो इस तरह से हमने भी देखा है, मुझे भी लगभग 32 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा। हम ठाकुर साहब वही कहते हैं और वही बताते हैं जो हमें दिखता है। अच्छा। हमें खेल आती है लेकिन हम उसका दुरुपयोग कभी नहीं करते। मुझे 32 साल हो गए हैं, लगभग बहुत दूर दराज के लोग आते हैं और बिन मात्र कहते हैं कोई पैसा नहीं हम लेते हैं, और ये तो भगवान का दी शक्ति है और बचाने वाला भी यही होता है, और कहते हैं कि ये उठाता भी है और गिराते भी हैं, हमारे देवी देवता है। इनके साथ के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पितृदोष है, पितृदोष इन्हीं के साथ इनके चरणों में रहते हैं, और लगभग हम लोग जो आराधना करते हैं पूजा याचना करते हैं ये मन में, अगर मन में विश्वास है तो आप कहीं से भी इसको मानो चाहे, कहते हैं हमारे जो अपनी भाषा तो बोलो कि नाओ दे जाओ दे डाओ दे जत्था भी होते तीन चारों धुरा में हमारे महाराज का वास बसा रहता है, चाहे आप नदी में जाओ चाहे सूखे में रहो चाहे गीले में रहो चाहे आप धार में रहो, जहाँ से भी आप मानेंगे। इसलिए श्री गुरु महाराज इन तीनों भाइयों की इनकी बहनों की बड़ी असीम कृपा है, शक्तियाँ हैं, और हम इनका बड़ा दिल की गहराइयों से हम महाराज का बड़ा धन्यवाद करते हैं। हमारे पास शब्द तो नहीं है कि हम महाराज की किस शब्दों से तुलना करें, किस शब्दों से इनका अनुवादन करें, हमारे पास इनके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि ये शब्द वाणी खुद है, इनकी जंत्री भी खुद होती है। यहाँ पर जो भंडारी होते हैं या जो जिस भी मंदिर पे जहाँ पर भंडारी होते हैं वो अपना कर्म करेंगे तो सदैव फलेगी। जब एक गणिता या पंडित पुजारी कर्म करता है तो उसके साथ प्रजा चलती है। आपने देखा है यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, महाराज की अपनी शक्तियाँ जगह जगह बिछाई, जैसे जोड़ना का बहुत बड़ा मंदिर है, अभी चूड़धार गए थे तो वो पालकी जो जोड़ना की थी चूड़धार तक नहीं पहुँच सकी, सीधी वापिस आना पड़ा हजारों लोगों को वहाँ से वापस, क्योंकि यहाँ पे जो वाज थी नहीं दी गई थी। अच्छा। तो इसलिए वापस गई पालियाँ वापस आई। इसी तरह से हमारे पास बखोटा में बहुत बड़ा मंदिर है श्री गुरु महाराज का, नोरा में देखिए गेलियों में बहुत चार प्रज्ञा का वो मंदिर है, चार पंचायतों का मंदिर है, बड़ी शक्तियाँ पीठ बैठी हैं। इसी तरह हमारे पास विजय महाराज का ब्राइला में जहाँ के हम खुद गणीते हैं, और वहाँ पे उसके ठीक पीछे जो एक बांगा पानी है जहाँ पे महारानी दमयंती ने उनको जन्म दिया है, और उनके जो छोटे भाई है सामने चुदेश्वर जहाँ पे वो अपने मामा के घर रहे हैं, चुदेश्वर जो दूधाधारी है, इस तरह से इनकी एक रूपरेखा है। अगर ज़्यादा इतिहास पे है तो सुबह भी हो सकती है, इनका इतिहास जानने के लिए आप कभी समय से हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल फागु है वहाँ पे इनका एक जन्म स्थली है जहाँ पे इन्होंने तपस्या कर रखी है, बहुत सारी वहाँ पे चित्रकारियाँ हैं, कई शिवलिंग वहाँ पे बनाए, मैं खुद वहाँ पे गया था, आप हैरान होंगे वहाँ पे जाके, वहाँ इतनी शांति मिलती है कि वहाँ कई शिवलिंग तैयार कर रखे महाराज ने इस तरह की तपस्या करी। अच्छा। और वहाँ पे सांपों की नगरी को कहा जाता है। तो मैं धन्यवादी हूँ पूरी आपके चैनल से और आपका ठाकुर साहब और पूरी यहाँ की जनता का कि भाई कभी अपने बुजुर्गों को ना भूले, कोई भूल चुको तो ये 10 गलतियाँ 18 गलतियाँ माफ़ कर सकता है, मगर कोई उठ रहा है जीजा तो उसको उठने के लिए शक्ति हमेशा समर्थन लेना चाहिए महाराज का आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महा, जय विजय। तो धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत।